जैसे मैंने अभी संस्कृत के लिए पढ़ा है, हालांकि गीता मतलब में ये श्लोक दिया हुआ है, वो चीज को लागू करें धीरे धीरे करके महापुरुषों ने जम लिया। अब धीरे जब वो जाते थे उनके बाद एक के बाद उसे आते रहे वहां के महाविष्ण। आप इसका अगर बात आता विस्तृत रूप से अगर ध्यान करना चाहेंगे तो बड़े बड़े जो हमारे हिंदू आचार्य हैं उनकी पुस्तकों का अध्ययन करेंगे तो वास्तविकता का बोध होता है। अब रहा इन बच्चों की, वो भी आप देखे औरंगजेब बताइए 20-25 साल तो दोस्तों वही बच्चों भारत हो गए। होता ये है मिसाल के तौर पर, अगर मिसाल के मिसाल मैं दे रहा हूँ, अगर कोई उस समय का कोई शासक है उसको कुछ पता ना हो किसी घटना के बारे में, कोई व्यक्ति विशेष जो उसका अधिकारी अगर को कर ले तो नाम लगता है कि फला के जरिए से या फला ने ऐसा किया है। क्योंकि औरंगजेब छोटा मोटा कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं था, वो बड़ा प्रगाढ़ पंडित था और इस्लाम ने फरमाया जिस एक ही जाति को कि सारी इंसानियत को उसने खत्म कर दिया और किसी व्यक्ति ने एक ही जान बचाई तो वो कि सारी इंसानियत को बचा दिया। इतना बड़ा आचार्य जान बूझ करके ऐसा करना तो ये कैसे मुमकिन है। बहुत से देखे जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हमारे पंडित सुंदरलाल जी की किताब है भारत में अंग्रेजी राज, ये दो वर्ग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पब्लिकेशन है। मैं जो इतिहास का सब्जेक्ट है या जिनको पढ़ने में उसके प्रति अभिरुचि है तो उस पुस्तक को जरूर पढ़िएगा। अंग्रेजों के ही हक करने रहे क्योंकि हिंदुस्तान से मतलब पाकिस्तान बांग्लादेश जिनको आज हम टुकड़े कहते हैं दरअसल सब एक ही था। और मैंने इतिहास से ये साबित हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी के जमाने में कितना विशाल भारत था और बादशाह औरंगजेब ने विभिन्न राज्यों को विजित करके अत्याधिक दक्षिण में तब तो बहुत इतिहास की बहुत लंबी बात नहीं बताना चाहूंगा उस सबको एकबद्ध करने का पूरा प्रयास किया। और कभी कहा जाता है सब हिंदू कुछ तो हिंदुओं के साथ ये किया अत्याचार ये किया। देखो भैया दो भाइयों में क्या झगड़ा नहीं होता, चार लोग परिवार में होते झगड़ते, सभी सबकी इच्छाएं होती हैं लेकिन आमतौर से देखने में सब पॉलिटिकल चीजें थी। अगर हम उनके बच्चों का नाम लेते हैं बहादुर शाह जफर तो हम क्यों भूल जाते हैं। उसके कुछ जब उसने कहा कि देखिए आपका नाश्ता तैयार है तो देखा कि 5-5 बच्चों के सर है तो वो भी तो क्या भी बलिदान हुआ 1857 सभी लोगों का इसमें योगदान रहा है। और ये दुर्भाग्य का विषय है कि बंटवारा हो गया चार लोग तो भाई हम अलग अलग रहेंगे तो हिंदुस्तान पाकिस्तान तक था वरना तो मेरे ख्याल से और भी डिसेंस है। अगर एक बार विष्णु भगवान के भक्त ने अपनी किताब इंडियन पॉलिटिकल थिंकर में लिखी है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अब किस मूड में आके क्या कह दिया ये चीज जरा तो साथ देख कर के उन्होंने कह दिया मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना एडवोकेट्स ओनली अ माइक्रोस्कोपिक ग्रुप ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी मुसलमानों के सिर्फ छोटे से दल के ही तो प्रतिनिधित्व करते हैं। अब वो बिना कह क्या कि अभी सोचा था तो कि गोष्ठों का ठीक लड़का अभी देश आजाद नहीं हुआ अगर हम अपनी बात को फिर आगे नहीं बढ़ाते हैं तो फिर बहुत मुश्किल है तो हम पर हमको फिर ये सुपरसीड करेंगे ये तो रुष्ट हो गए मियां लोगों से रुष्ट होकर से इतना भाग गए थे तो इसमें डॉक्टर का बात उनको बना के ना कि भाई आपका इसका प्रतिनिधित्व की ये मिलत की बात है। तो ये दुर्भाग्य का विषय है वरना हम लोग अल्लाह से यही दुआ करते हैं और बल्कि बादशाह सफर के पर होते हिंदुस्तान से इंग्लैंड से भारत आए तो जब यहाँ पे इनको जब आए तो उन्होंने कहा काश हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश सब एक हो जाए जब जर्मनी और पड़ा था एक हो सकते हैं कि यह तीनों टुकड़े एक ही बरादरी एक ही सब कुछ है। और तज की बात है जैसे कहते हैं कहते कि हमारे राजपूत रेजिमेंट है हमारे गोरखी रेजिमेंट गोरखा रेजिमेंट है क्या यह वहाँ नहीं है। बस फर्क तो यही है कि हम दुष्यंत सिंह चौहान है वहाँ अब्दुल रहीम खान है इतने ही तो अंतर है। सबकी कभी कभी हमने तो हमारे तो बात बाहर की गई मैंने कहा भैया सबकी दाल भारत में ही कड़ी हुई है अब अलग अलग हो गए हैं ठीक है ना। तो इस बाल दिवस के जो शहीदी दिवस के रूप में जो मनाया जा रहा है दरअसल हो सकता है सरकार की अपनी सोच हो कि बहुत से पुराने इतिहास को जिसमें ये श्रृंखला में तो खैर नहीं दिया गया ये खेल का विषय है जहाँ पे जिनके साथ अत्याचार हो उन बच्चों को भी शामिल करना चाहिए वो भी उनके अपना एक अलग संगठन था सिखिज्म क्या एक संगठन था ठीक है ना। बाकी और जो बच्चों का हुआ उसमें औरंगजेब का तो उसका वो नहीं है लेकिन ये अफसोस की बात है कि किन वजहों से इन बच्चों की हत्या और ये भी कारण मुख्य रूप से नहीं बताया जा सकता है कि इन बच्चों को ऐसे मारा ऐसे नहीं इंसान इंसान है किन वजूहत से किस तरह की मौत हो गई। कभी कभी होता ये है नौकर चाकर से गलती हो जाती है मारने मर गया लेकिन चूंकि हमारा नौकर है इसलिए हमारे इसमें इन्वॉल्वमेंट शामिल हो गए। बहरहाल तो
उनकी भी एक अपनी आजादी की सोच थी, और 1857 के बाद में जो बहादुर शाह जफर के बच्चों के साथ हुआ, ये उनकी भी एक मुल्की की आजादी की सोच थी। तो ये सब चीजें पॉलिटिकल है, आज इन्हीं महापुरुषों की कुर्बानियां न होती तो आज हम स्वतंत्र वातावरण में जो स्वास्थ्य ले रहे हैं तो शायद संभव न होता। इन्हीं के साथ में